रियलाइज दैट कि जो मेरा इलेक्ट्रिकल इनलेट था कैंप में, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन डालने की जगह थी वो उस साइड है और मेरा पावर कनेक्शन उस साइड है, सो आई हैव टू रोटेट द टेंट। टेंट रोटेट करना पड़ेगा, अब देखते हैं कैसे होता है। स्ट्रगलिंग बट मज़ा आएगा। टेंट लग गया है बहुत मेहनत के बाद, थोड़ा उबड़ खाबड़ है पर ठीक है। ये देखो निकल गई, मुझे दोबारा लगाना पड़ेगा। ये मेरी एंट्रेंस है, ये मेरी आग है, वो बैठने की चेयर है, बट मैं चेयर लाया हूँ तो मैं अपनी चेयर लगाऊँगा। अकेले लगाया है, पिछली बार मैंने मदद ली थी। सो इफ यू लाइक माई हार्ड वर्क, अगर मेरी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को थम्स अप ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कितना बेहतरीन मौसम हो रहा है देखो, स्नोफॉल। अच्छा गाइस, और मैंने टेंट तो सेटअप कर ही लिया है, वो तो आपने देख ही लिया। अब मैंने टेंट को ओपन किया तो इसमें प्रॉब्लम हो गई और मैं ये टार्प लाया हूँ बिछाने के लिए, इसमें पानी है अंदर, बट देखते हैं इतने पानी से मैनेज करते हैं। टेंट भी थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, इसको करेंगे फिक्स धीरे धीरे, सब फिक्स करेंगे। मैंने अपनी वायर्स ले कर दी हैं, दो वायर्स हैं, एक हैवी ड्यूटी वायर है जिससे मैं अपना हीटर पुल करूँगा, यूज़ करूँगा, और एक नॉर्मल वायर है जिसको मैं यूज़ करूँगा फॉर चार्जिंग मोबाइल फ़ोन्स एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये वायर कनेक्शन है, मैं कनेक्शन अभी कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं पहले अंदर का सेटअप सब करना चाहता हूँ। और यहाँ पे ऐसे पावर सॉकेट्स होते हैं दो लोगों के लिए, एक इस बंदे का है और एक मेरा है, तो ये दो सॉकेट्स हैं। तो वायर पुल करते हैं, लगाते हैं। मेरे को लग रहा है ये वायर छोटी पड़ेगी मेरे को, एक हीटर वाली, तो मेरे को टेंट और खींचना पड़ेगा। अरे यार, बट वहाँ पे ज़मीन सीखनी है, बट क्या करें, अभी करते हैं कुछ। फिर लकड़ी भी लेके आनी है और इसमें आग लगानी है, विल लिट सम फायर्स। मैंने वायर पुल करके कनेक्ट कर दिया और मैंने अपना हीटर चालू कर दिया। मेरा टेंट गर्म होता है और लाइट बंद कर दे, लाइट चल रही है अभी। उसके बाद इसको हम पंप करेंगे, इसको रूम टेम्परेचर पे पहले गर्म करना होता है, लाइक रूम टेम्परेचर पे ला के ही इसको इन्फ्लेट करना होता है, बट ये हो नहीं रहा है अभी, तो विल सी। और मैं जा रहा हूँ कुछ वुड लेने, सो सी यू गाइस। वुड लेने जा रहा हूँ और उसके बाद आके आग लगाने के लिए कोशिश करते हैं, सी यू। लकड़ी लेने के लिए, वुड लेने के लिए यहाँ पे ऐसे बने हुए हैं, सेल्फ सर्व वायर वुड है, अपना पैसा यहाँ डाल दो और वुड ले लो। मेरे पास $5-5 के बिल हैं तो मैंने दो पैकेट्स ले लिए हैं, ये सारी वुड्स हैं जो ऑलरेडी पैक्ड है। यू कैन सी म्यू लेक सेल्फ सर्व फायर वुड फी स्टेशन। सो मैंने किपलिंग किंडलिंग वुड ली है, प्लीज़ डिपॉजिट द कैश बॉक्स। तो ये $5-5 के दो बिल हैं, आई डिपॉजिट देम। तो ऑल डन, ऑल सेट, बट मैं अपनी वो तो लाया नहीं, एक कुल्हाड़ी लेके आता हूँ। वन सेकेंड, याद रखना है जब भी कहीं जाओ तो नेचर को ख़राब नहीं करना, उसके लिए ये बिन लेके आया हूँ मैं, तो सारा कचरा अपना इस बिन में डालना है। बहुत बड़ा बिन हैवी ड्यूटी। After lot of hassle, finally आग लग गई है। रात हो चुकी है, यहाँ पे रात नहीं हुई है, 5 बजे हैं शाम के, बट अंधेरा हो चुका है बुरी तरीके से। तो मैं इन्फ्लेट करता हूँ, मेरा टेंट बंद है पूरी तरीके से, हीटर चल रहा है बट हीटर काम नहीं कर रहा है, तो लेट्स सी क्या होता है। मेरी हेडलाइट काम आ रही है, मेरी आग ख़त्म होने वाली है, देखो ख़त्म हो ही गई है। सोच रहा हूँ उससे पहले और लकड़ी काट के विद द हेल्प ऑफ दिस कुल्हाड़ी मैं अपनी आग लगा दूं,
बट बर्फ में आग लगाना भाई साहब सबसे मुश्किल है। रीज़न है उसके पीछे, रीज़न ये है कि लकड़ी गीली होती है यार बेसिकली। मेरे को दिन में ही सारी लकड़ी तोड़ लेनी चाहिए थी, अब मुझे थोड़ा सा एहसास हो रहा है इस चीज़ का, बट ठीक है पहली बार है, अगली बार से याद रखेंगे और ये गलती होने नहीं देंगे। हे गाइस, मैं अपना स्लीपिंग बैग लेके आ गया हूँ, रुक जा भाई, स्लीपिंग बैग लेके आ गया हूँ और अब मैं उसको अनफोल्ड करूँगा। शाम हो रही है, अभी शाम के 6:30 हो रहे हैं, गाने चल रहे हैं, आग लगी हुई है, मेरा बेड तैयार है और आई डोंट नो कि ये काम कर रहा है कि नहीं। हाँ थोड़ा बहुत हीटर भी काम कर रहा है, तो मैं इसको अनलॉक करता हूँ।